नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। आइए जानते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। सबसे पहले नेशनल न्यूज, 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन, डीसीजीआई ने दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। आईआईटी मद्रास में फिर कोरोना विस्फोट, 31 नए मामले, 111 पर पहुंचे मरीजों का आंकड़ा। एबीजी शिपयार्ड घोटाला, मुंबई पुणे समेत कई शहरों में 26 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। ऐसी राहत न मांगे जो अदालत नहीं दे सकती, रामनवमी हिंसा की जांच की मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट। जम्मू हमले के पीछे आईएसआई या हकानी नेटवर्क का हाथ, कश्मीर में पैर पसार रहा नया आतंकी संगठन। नए संसद भवन में होगा शीतकालीन सत्र, ओम बिरला ने जल्दी निर्माण की जताई उम्मीद। अब इंटरनेशनल न्यूज, रूस पर रुख को लेकर यूरोपीय आयोग प्रमुख ने भारत को चेताया। यूएस आयोग की सिफारिश, भारत को विशेष चिंता वाले देशों में करो शामिल, कई बार खारिज हो चुकी मांग। शहबाज शरीफ परिवार के 16 लोगों के साथ जा रहे सऊदी अरब, कुल 40 लोग होंगे साथ, छिड़ा विवाद। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला, उसी ने संयुक्त राष्ट्र में की उसकी शिकायत, हिदायत भी दी। जापान ने रद्द किया भारत के जरिए यूक्रेनी शरणार्थियों को मदद करने का प्लान। चीन ने 2 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जाँच के आदेश दिए, शंघाई में 52 की मौत। अब उत्तराखंड न्यूज, केदारनाथ यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, श्रमिकों का हालचाल जान किया धन्यवाद, उनकी समस्या को दूर करने के दिए निर्देश। चार धाम यात्रा में रेस्टोरेंट यात्रियों से नहीं वसूलेंगे सर्विस चार्ज, स्कूल कॉलेजों में बनेगी पार्किंग। रुड़की में बवाल के बाद अब बुजुर्ग और ग्रामीण भी दे रहे भाईचारे और सौहार्द की मिसाल, दोनों समुदायों के लोग कर रहे घटना की निंदा। रुद्रप्रयाग में सत्यापन के दौरान मिला राजस्थान से लापता युवक, पढ़ाई के दबाव के चलते बिना बताए पहुंच गया गौरीकुंड। पौड़ी में दर्दनाक हादसा, बारात से लौट रहा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 6 की मौत और 8 घायल, सीएम ने जताया शोक। धरने पर कर्मचारी, सीएम आवास की ओर कूच के दौरान पुलिस से नोकझोंक, आरोप गर्भवती के पेट पर महिला पुलिसकर्मी ने रखा पैर। अब स्पोर्ट्स न्यूज, पंजाब के बॉलर ऋषि धवन का जलवा, 6 साल बाद आईपीएल में खेला कोई मैच और बन गए हीरो। इस सीजन में पहली बार मैच देखने पहुंची प्रीति जिंटा, वायरल हुआ शॉकिंग रिएक्शन। मिचेल सेंटनर का विकेट लेने के बाद घुड़सवारी करने लगे अर्शदीप सिंह, वीडियो हो रहा वायरल। अब एंटरटेनमेंट न्यूज, खूबसूरती में बॉलीवुड डिवास को टक्कर देती है सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर, करने वाली है बॉलीवुड डेब्यू। बेटो संग करीना सैफ की पुल पार्टी, फुल ऑन मस्ती के मूड में दिखे तैमूर जय। सीबीएफसी चेयरमैन प्रसून जोशी की माँ सुषमा जोशी का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। अब वायरल न्यूज, 119 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स का निधन। चलती ट्रेन से उतर रही महिला का पैर फिसला, मौके पर तैनात सिपाही अल्ताफ ने जान बचाई, वीडियो हुई वायरल।